फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक अनदर मेकअप लुक इंस्पायर्ड बाय रश्मि देसाई। बहुत दिन पहले मैंने इस मेकअप लुक को देखा था, बट मैं थोड़ा क्रिएट करने के लिए सोच रही थी करूँ या नहीं, बट फाइनली आज मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। कुछ इस तरीके का लुक है। आगे आपने इमेज में देख ही लिया होगा, थंबनेल पे भी देख ही लिया होगा कि मैं किस मेकअप की बात कर रही हूँ। आप उनके पेज पे जाएंगे तो देख पाएंगे। बिग बॉस की फेवरेट कंटेस्टेंट थी वो मेरी, सो इसलिए मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। और आई थिंक ये बहुत हद तक सेम क्लियर हुआ है, बट लिपस्टिक इतना मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे कलेक्शन में इस तरीके का शेड नहीं है, क्योंकि मुझ पर इतना अच्छा नहीं जाता है, इस वजह से नहीं है मेरे पास। बट पूरा मेकअप मैंने सेम ही किया है। लिप शेड तो आपके ऊपर जो जाता है वही आप लगा पाओगे, कोई भी ऐसा शेड नहीं लगा सकते हो जो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप डार्कर स्किन है या मेरे जैसे स्किन टोन वाले हैं तो एकदम लाइट शेड नहीं जाने वाला है। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये लुक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उस वीडियो से नोटिफाइड हो पाएंगे। सो देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें इंस्टा एंड फेसबुक पर, आईडीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली अपडेट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ बायोटेक नेचुरल के लिप बाम की हेल्प से। और नेक्स्ट अपने फेस को थोड़ा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फरसाली का फेस सिरम। अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और इसको ऑब्जर्व होने दूँगी अपने स्किन में। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का ये हेलो सनस्क्रीन, सन ब्लॉकेज क्रीम है ये, तो समर्स के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का ये प्राइमरी ऑल डे प्राइमर है, बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो डेली बेसिस के लिए अगर कोई प्राइमर लेना चाह रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये फाउंडेशन और नेचुरल बेज, इसमें मेरा शेड है, इसमें SPF 50 है, ट्रिपल PA है, तो सन से भी प्रोटेक्ट कर देता है, प्राइमर भी है। तो अलग से अगर आप चाह रहे कोई प्राइमर नहीं अप्लाई करना तो आप एस्केप भी कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा प्राइमर है गाइस। लिटरली आपको एक बार इस फाउंडेशन प्राइमर को ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का कंसीलर, आई मीन दी शेड 20 सैंड, आई थिंक सैंड इसका नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और अच्छे से मैंने इसे ब्रश की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का 24 SPF का कॉम्पैक्ट, और अगेन इसे सेम ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो एक ही ब्रश से आप अपना फेस मेकअप कर सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट एडियस लग्जूरियस बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी अंडर आइज़ को बेक करने के लिए, क्योंकि ये एक स्मोकी आई मेकअप है, तो अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ HR का आईब्रो पोमेड, एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। कैन सी बहुत ही हैवी फील करूँगी और थोड़ी सी थिक करूँगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलरसिल काजल, सो एक बॉल्ड काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं एक लाइनर की तरीके से। तो इसे पहले मैं लाइनर की तरह किसे अप्लाई कर लूँगी, देन मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी और अपर वाटर लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी। एक स्मजर ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से स्मोक आउट कर रही हूँ, रफली ही कर लूँगी क्योंकि इसमें हमें ब्राउन शेड ऐड करना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर वाला स्मोकी आइज क्रिएट किया है रश्मि देसाई ने, और 3 मिलियंस कंप्लीट होने पर उन्होंने इस लुक को क्रिएट किया था। तो अगेन वापस से मैं लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। और मिस रोज़ का ये ब्राउन्जर पैलेट ले रही हूँ, इससे ब्राउन शेड लेकर के एंगल ब्रश की हेल्प से वाटर लाइन में स्मोक आउट कर रही हूँ। जो भी एक्सेस पाउडर था वो रिमूव कर रही हूँ, अच्छे से हाईलाइट हो चुकी है मेरी अंडर आइज, डार्क सर्कल्स बहुत अच्छे से हाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, ये मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, अच्छे से कर्ल कर देता है, वॉल्यूम दे देता है। नेक्स्ट मिस रोज़ का ये ब्रॉन्जर पैलेट ले रही हूँ अपने फेस पे, बहुत ही शार्प और बहुत ही हाईलाइटिंग ब्रॉन्जिंग करूँगी, क्योंकि इसमें उनका फेस जो है वो ब्रॉन्जर भी है, हाईलाइट नहीं है, सिर्फ ब्रॉन्जअप है। सो अच्छे से मैंने ब्रॉन्जिंग कर ली है डार्क ब्राउन शेड लेकर के, और फिर नोज़ की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ क्योंकि उनकी नोज़ बहुत शार्प है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ L18 की लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड आपको नीचे मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूँगी। और मेकअप को सेट करने के लिए मैंने लिया है किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल का काम करता है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको आज हेयर स्टाइल भी बता रही हूँ कि उन्होंने हेयर स्टाइल कैसे किए, तो उन्होंने हाफ बाल लिए हैं अपने पूरे, और बट बालों की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लिए, इसलिए पीछे से भी मैंने कुछ हेयर्स को इसमें ऐड किया है। एक थिन पतला
पतला सा रबर बैंड में लगा लूँगी और इसको टाइटन कर लूँगी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक हेयर स्टाइल वीडियो में बताया। तो इस तरीके से मैं इसको रबर बैंड कर लूँगी। मैंने अपने हेयर्स को स्ट्रेट किया था एक व्लॉग में, मैंने बताया भी था। और इस तरीके से मैं जुड़ा बना रही हूँ। तो सिंपली आपको उसका जुड़ा बनाना है और मैंने दो क्लिप प्ले करके इसको अच्छे से टैग कर लिया है। और क्लिप मैंने ली थी टिकटॉक वाली, बहुत अच्छे से हो गया था। और थोड़ा सा बालों को आगे की साइड कर लिया है। सो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। उनके हेयर्स जो है कलर्ड है, मेरे पे और ब्लैक है। मैंने कोई कलर नहीं करवा रखा है फ़िलहाल अपने हेयर्स में, और मैंने पूछा भी था कि कराना चाहिए तो कोई कमेंट नहीं आया। उसके बाद मैंने भी नहीं करवाया और फ़िलहाल ये लॉकडाउन चल रहा है। सो मैं देखती हूँ, घर में करने का सोच रही हूँ। बट आपको ये मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन का उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।